नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम. इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? बेसिकली इट इज अ जनरल एक्ट है विच इज हेल्पफुल फॉर सीपीसी, सीआरपीसी और योर इंडियन पिनल कोड और एवरीवेयर, विच इज अ हेल्पफुल किसी भी क्राइम को साबित करने के लिए. किसी भी अगर ऑफेंस या क्राइम को साबित करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, एंड एविडेंस आर नेसेसरी टू एस्टेब्लिश अ क्राइम और एक्विटल या छोड़ना या उसको सजा देने के लिए क्राइम एविडेंस एक्ट की जरूरत होती है. बीट क्रिमिनल केस और अ सिविल केस, दोनों के अंदर ही आपको इस चीज की प्रूफ्स की जरूरत होती है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एविडेंस एक्ट एंड एविडेंस इज एप्लीकेबल इन विच मैटर? एविडेंस एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एंड डिस्कवर्स द रूल्स एंड गवर्निंग एक्सेट्रा इज एप्लीकेबल बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, दोनों के केसेस चलते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एविडेंस? नंबर वन ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस आर बेसिकली विच आर वर्ड ऑफ द माउथ या बोल के दिए जाते हैं. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर द एविडेंस विच आर गिवन इन द पेपर फॉर्म. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर इन द फॉर्म ऑफ पेपर फॉर्म. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस वो होते हैं विच आर बेसिकली द फर्स्ट कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. सेकेंडरी एविडेंसेज आर दोज एविडेंस विच आर द फोटो कॉपी और जीरोक्स ऑफ द प्राइमरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस आर हेल्पफुल ओनली इन द केसेस व्हेन द प्राइमरी एविडेंस आर नॉट अवेलेबल. सेकेंडरी एविडेंस तभी यूज में आते हैं जो प्राइमरी एविडेंस नहीं होते हैं अवेलेबल. दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू प्राइमरी एविडेंसेज. इफ द प्राइमरी इज नॉट अवेलेबल देन सेकेंडरी, द नेम इटसेल्फ इज सेइंग सेकेंडरी है. तो अगर सेकेंडरी प्राइमरी नहीं है तो ही सेकेंडरी की बात की जाती है, उससे पहले उसकी कभी भी बात चर्चा नहीं की जाएगी. सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस का डिफरेंस की अगर बात करें तो सेकेंडरी एविडेंस आर ट्रीटेड एज अ वीकर फॉर्म ऑफ एविडेंस एज कम्पेयर टू प्राइमरी बिकॉज दे आर नॉट द फर्स्ट एंड कॉपी ऑफ द प्राइमरी. देयर इज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस. मैं क्लास में कई बार इसका एग्जांपल भी देता हूँ. सर्कमस्टांशियल एविडेंस बेसिकली एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस. सपोज इफ आप फर्स्ट फ्लोर एक इंस्टीट्यूट के फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हो और एकदम से एक मिस्टर एक्स आता है फर्स्ट फ्लोर के उस रूम के अंदर. आने के बाद में और आप दोनों में कोई बातचीत होती है, उसके बाद में मैं नीचे खड़ा हूँ और मैंने देखा कि मिस्टर एक्स की शर्ट के व्हाइट शर्ट के ऊपर खून के छींटे लगे और वो भागते हुए जा रहा है. कुछ 15-20 मिनट तक मैं नीचे खड़ा रहा, ना कोई ऊपर गया ना कोई नीचे आया. उसके दौरान मैंने ऊपर जाके देखा आपकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, विच इज अ सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग दैट आपने मिस्टर एक्स ने मर्डर किया और वो भाग गया. सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, आप बैंक ऑफ द रिवर से थोड़ी सी दूर पे खड़े और आपने मिस्टर एक्स को भागते हुए देखा और उसकी शर्ट पे खून के छींटे थे और 2 घंटे बाद आपने न्यूज में देखा कि मिस्टर वाई की डेड बॉडी बैंक ऑफ रिवर पे पड़ी थी. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में हो सकता है लड़ाई हुई हो. रात का टाइम था, पुलिस को जाके बता सकते हैं कि मिस्टर एक्स को मैंने भागते हुए देखा था और उसकी शर्ट पे खून के छींटे थे. दिस इज ऑल्सो सर्कमस्टांस एविडेंसेज होते हैं. हियर्स एविडेंसेज इज द मोस्ट वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंसेज. सुनी सुनाई बात थी कि 4 आदमियों ने बताया था. सर सुनी थी बात, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी डीलर का एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर. सुनी सुनाई बातों पे कि नेबर ने बोला और बहुत सारे आपको केसेस इसके मिल जाते हैं सुनी सुनाई बातों के, तो आराम से मिल जाते हैं. फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स एंड इश्यू क्या होते हैं? देखो कोई भी एलिगेशन लगाया जाता है, अगर फैक्ट क्या है, आपने मेरे पर्स से 10,000 चोरी किए, फैक्ट है. फैक्ट आपने मना कर दिया एलिगेशन को, फैक्ट एंड इश्यू. व्हाट इज फैक्ट एंड इश्यू? अलेज्ड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अनदर पार्टी. अलेज्ड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अनदर पार्टी. फैक्ट आर ऑफ टू टाइप, वन इज अ फैक्ट एंड इश्यू, अनदर इज अ रेलेवेंट फैक्ट. एंड इश्यू आर द एलिगेशन मेड बाय वन पार्टी डिनाइड बाय द अनदर पार्टी. जब एक चीज का फैक्ट एंड इश्यू बनता है, देखो कोई भी चीज का अगर फैक्ट एंड इश्यू होता है तो उसमें कुछ चीजें बनती है. आप ब्लैक बोर्ड पे सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे देखिए, मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा, मर्डर किया गया उसका. तो इसमें से 2 फैक्ट्स निकलते हैं, या तो मर्डर किया या नहीं किया. अगर उसने मर्डर नहीं किया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है. अगर मर्डर किया है यस, तो डिपेंड करता है कि मर्डर करने के पीछे उसकी इंटेंशन थी या नॉट इंटेंशन. अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी तो इट इज अ नेग्लिजेंस थी या एक्सीडेंट था. अगर एक्सीडेंट है तो आईपीसी का सेक्शन 80 लग के उसको 2 साल तक की सजा हो जाती है और बात खत्म हो जाती है. अगर उसकी इंटेंशन थी तो उस केस में मेंसरी आएगा. मेंसरी क्या होता है? कल्पेबल माइंड, गिल्टी माइंड होता है आपका, और सीरियस पनिशमेंट होती है तो डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है. देखो समझो फिर से, फैक्ट और फैक्ट इश्यू का क्या मतलब है? फैक्ट का मतलब होता है फैक्ट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ऑफ फैक्ट इश्यू, अदर इज रेलेवेंट फैक्ट. रेलेवेंट फैक्ट आते हैं अभी. फैक्ट इश्यू क्या होता है? फैक्ट इश्यू का मतलब होता है एलेज बाय वन पार्टी डिनाइड बाय अनदर पार्टी. अब इस केस में आता है कि सर क्यों इस चीज पे, कोई भी चीज फैक्ट इश्यू है, मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया, अगर आपने लगाया तो उसमें से कई सारे एरोज निकलते हैं. उन चीजों को चेक करने के लिए आगे रेलेवेंट फैक्ट, एडमिशन, कन्फेशंस या अलग अलग प्रिंसिपल्स आपके यूज किए जाते हैं. तो मैंने एक फैक्ट एंड इश्यू था क्या कि मैंने खून किया मिस्टर बी का, तो उसके ऊपर आया कि ना तो छूट गया. हाँ तो आता है कि जानबूझ के क्या, इंटेंशन थी? इंटेंशन नहीं थी. इंटेंशन थी तो मैं डेथ या लाइफ इन सीरियस मैटर है, नहीं थी तो आपका बस 2 साल तक की सजा, छोटा मोटा क्राइम जैसे जनरली केसेस में हो जाता है. इज दैट क्लियर? फिर आता है व्हाट इज रेलेवेंट फैक्ट. देखिए
रेलेवेंट फैक्ट्स जो होते हैं इसका मतलब वो कौन से वाले जो फैक्ट में इशू को साबित करने के लिए काम आते हैं. इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉजिकल रेलेवेंट, एक होता है लीगल रेलेवेंट. लॉजिकल रेलेवेंट कौन सा होता है सर? एक होता है लॉजिकल रेलेवेंट. लॉजिकल रेलेवेंट में सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था रेगुलर क्लास में आपको कि मिस्टर एक्स इज माय ब्रदर एंड हम दोनों भाई भाई हैं और मेरे पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है. एक भी ध्यान से सुनो, मेरे पार्टनर के साथ लड़ाई हुई हुई है और मेरे पार्टनर ने मुझे धमकी दी कि तुझे मैं कल का सूरज नहीं देखने दूंगा. समझो ठीक है, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना आगे एग्जाम्पल काम आएंगे भी थोड़ी देर में. ठीक है, रेस्ट गेस्टे जब करेंगे अब उसमें काम आएगी. मिस्टर वाई जो मिस्टर पार्टनर ने बोला कि कल का सूरज मैं मिस्टर पार्टनर को देखने नहीं दूंगा और मेरे भाई ने ये बात सुन ली. मेरे भाई को अगर मेरे मरने पर सारी की सारी प्रॉपर्टी मिलनी थी. ये सारे के सारे मैं रेस्ट गेस्ट फैक्ट्स बताता जा रहा हूँ आपको धीरे धीरे साथ साथ में. मेरे भाई को मेरे मरने पर प्रॉपर्टी मिलती, मेरे भाई ने शाम को ही मेरा मर्डर कर दिया और सारा का सारा इल्जाम मिस्टर पार्टनर पे आ गया क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी. तो ये जो फैक्ट है इसके अंदर, ये फैक्ट रेलेवेंट तो है बट लीगल नहीं है कि उसी ने खून किया हो. लॉजिकल तो लॉजिक तो जा रहा है, एक होता है लॉजिकल रेलेवेंट, एक होता है लीगल रेलेवेंट. बट मेरे मरने पर सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को मिलती है तो उनके ऊपर भी शक जाना चाहिए. ये हो गया क्या? लॉजिकल रेलेवेंट. लॉजिकल रेलेवेंट क्या है वो भी कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी सारी की सारी उसको मिलती है. चलिए एक बार रेलेवेंट फैक्ट को मैं थ्योरी पढ़ता हूँ. कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बाय द अक्यूज्ड इज अ रेलेवेंट फैक्ट वेदर इट इज एडमिशेबल और नॉट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. ये डिपेंड करता है उस पर. मैंने पुलिस को बोला कि हाँ मैंने मर्सिडीज कार से एक आदमी को उड़ा दिया है. एक सिविल लाइन्स का केस हुआ था 2018 का जिसमें एक माइनर लड़के ने 17 साल समथिंग का था, उसने एक ड्राइवर को एक किसी पासिंग बाय रोड वाले एक लड़के को उड़ा दिया था. ये एक्चुअल केस है दिल्ली का सिविल लाइन्स का. उसमें ड्राइवर ने जाके उसी लड़के के फादर का जो ड्राइवर था उसने जाके झूठ बोल दिया जी मैंने मारा है इसको. पुलिस को जाके कन्फेशन दे दिया ड्यू टू सम व्हाटएवर पैसे वैसे की वजह से. बाद में जब उसको बताया गया कि सर वो मर चुका है और आपके ऊपर फांसी की सजा होगी तो उसने कहा ना मैंने नहीं मारा है. तो खैर उसके ऊपर फिर भी सजा होगी क्योंकि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का ट्राई किया तो वो अलग मैटर है, ज्यादा नहीं है. बट उसके साथ में कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिटेड एज अ एविडेंस. ध्यान रखना रेलेवेंट नहीं होते क्योंकि पुलिस अंडर प्रेशर भी आपसे करवा सकती है बट ओपन में की गई मतलब आपने अगर कोर्ट में जाके कन्फेशन किया तो उसको माना जाता है कि वो बेसिकली एक्सेप्टेड है, रेलेवेंट है, एडमिसेबल है. बट पुलिस के सामने की गई कन्फेशन जरूरी नहीं है कि मानी ही जाएगी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बुक में देखो रेलेवेंट फैक्ट आर दोज फैक्ट विच आर इंटरकनेक्टेड फैक्ट विच प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इश्यू. रेलेवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स वो होते हैं जो किसी चीज के होने या ना होने को प्रूव कर दे. ठीक है, देखो सुनो एक केस बताता हूँ. रटन वर्सेस जो क्वीन वर्सेस रटन का केस था वो बताता हूँ. एक औरत ने जल्दी से फोन किया हड़बड़ी के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज में कि मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन पे कनेक्ट करो. अंडरस्टैंड? सारे फैक्ट्स ध्यान ध्यान से सुनते रहना, अभी काम आएंगे. एक लेडी ने कॉल किया हड़बड़ाते हुए कि मुझे पुलिस स्टेशन में कनेक्ट, पहले एक्सचेंज से कनेक्ट होते थे टेलीफोन, डायरेक्ट नहीं करते थे, मुझे पुलिस स्टेशन में कनेक्ट करो. पुलिस स्टेशन में कनेक्ट होते ही उसका फोन कट गया. थोड़े से समय के बाद में पुलिस उसी एरिया की पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक औरत की मरने से डेथ हो गई है. उसके बाद में उसके घर पे जाके जब पता चला तो देखा गया कि उसकी कनपट्टी पे उसके फोरहेड के अंदर एक गोली चला दी गई थी. जब उससे पति से पूछताछ की गई तो उसने कहा गलती से गोली लग गई थी. तो ये कहां आ गया गलती वाला केस? उसने गोली तो चली, मर्डर तो हुआ, फैक्ट इन इश्यू तो है, उसके ऊपर इल्जाम तो लगा. बट जब चेक करने पर देखा गया तो उसने कहा कि सर यहां कम सजा में बच जाऊंगा, 2 साल वाली सजा में बच जाऊंगा मैं, यहां पर आ जाऊंगा. बट उसने तो जानबूझ के चलाई. कैसे पता चला? फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स क्या है सुनो ध्यान से. इंटरकनेक्टेड दोज फैक्ट्स विच आर इररिलेवेंट बट जब उनको जोड़ा गया आपस में तो रेलेवेंट फैक्ट्स बनते गए और आपके क्रिमिनल क्राइम साबित हो गया. कैसे हुआ सर? सर जब देखा गया कि उसने कहा गलती से लगी तो उसमें पता चला कि इस औरत ने थोड़े समय पहले एक्सचेंज में फोन किया था. इसका मतलब ये गोली गलती से नहीं चली, ये प्लैंड गोली थी क्योंकि उसने हड़बड़ाहट में एक्सचेंज में कॉल किया था. सपोज एक और एग्जाम्पल नीचे रेलेवेंट फैक्ट आगे ना समझ फिर आते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट गेस्टी बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सट्रीम लेवल का कंफ्यूजन होता है रेस्ट गेस्टी के अंदर. मैंने रेगुलर क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था अभी रिसेंटली. सपोज करते हैं कि मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई की लड़ाई हुई थी. मिस्टर एक्स ने बंदूक खरीदी बाजार में जाके, एक गन खरीदी, मिस्टर एक्स ने गोली खरीदी, मिस्टर एक्स ने एक चोरी की बाइक ली, चोरी कर ली. मिस्टर एक्स ने एक बंदूक खरीदी, मिस्टर एक्स ने एक गोलियां खरीदी, मिस्टर एक्स ने एक बाइक चोरी कर ली. मिस्टर वाई के घर गया, घर जाके उसने मिस्टर वाई को आवाज दी कि नीचे आ. नीचे आने के टाइम पे मिस्टर वाई नीचे आया, दोनों को नीचे आके झगड़ा हुआ, झगड़े में दोनों की आपस में मारपीट हुई और इस दौरान मिस्टर वाई के घर वालों ने फर्स्ट फ्लोर से कुछ बर्तन फेंके और इस दौरान
मिस्टर एक्स ने हड़बड़ाहट में गोली चलाई, मिस्टर वाई को गोली लगी और वो भागने लगा। हड़बड़ाहट में जब वो भाग रहा था तो उसकी बाइक गिरी, मोहल्ले के लोगों ने उसको पकड़ा, उसने हवाई एयर फायर करके और वो वहां से भाग निकला। ठीक है, रेस गेस्टी। अब एक बात समझो, इसको प्रूव करने के लिए कैसे किया जाएगा, कुछ होते हैं रेलिवेंट, कुछ होते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स और कुछ होते हैं इररेलेवेंट फैक्ट्स। बट इररेलेवेंट फैक्ट्स को हम तब बोलेंगे जब काम नहीं आते। कुछ होते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स, कुछ होते हैं फैक्ट्स। जैसे मिस्टर एक्स ने गन खरीदी, इस केस में वो रेलिवेंट है, एडमिसेबल है। मिस्टर एक्स ने गोलियां ली, रेलिवेंट है, एनीवे एडमिसेबल है। ठीक है, बट मिस्टर एक्स उसके घर गया, उसकी लड़ाई हुई, उसने धक्का दिया, उसने गोली चलाई, मोहल्ले के लोगों ने पकड़ा, ये सब चीजें इस केस में मायने नहीं रखती। बट इन चीजों को जब जोड़ा गया साथ साथ में तो क्या बन गया, एक केस सॉल्व हो गया। ये रेस गेस्टी प्रिंसिपल होता है, दैट आप जो फैक्ट्स विच आर अदरवाइज इररेलेवेंट मे बी रेलेवेंट इफ दे सॉल्व अ क्राइम। जब क्राइम कमिट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई चीज आ जाए तो वो क्या है, सारी की सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती है। फैक्ट एंड इश्यू को प्रूव करने के जो भी फैक्ट्स काम आते हैं उनको क्या बोला जाता है, रेलेवेंट फैक्ट्स बोला जाता है। जैसे एक से ज्यादा फैक्ट्स होते ही होंगे, फैक्ट्स तो एक से ज्यादा है, ठीक है, सारे काम आ सकते हैं इस केस के अंदर। तो एग्जाम्पल समझ आया। उसी रट्टन वर्सेस क्वीन के अंदर आप देख सकते हो रेलेवेंट फैक्ट था, एक्सचेंज को कॉल करना हड़बड़ाहट में कोई मायने नहीं रखता, एक्सचेंज को हड़बड़ाहट में कॉल करना कोई मायने नहीं रखता, कोर्ट कहेगा इससे कोई मैटर करता ही नहीं है एक्सचेंज को कॉल करना। बट सर एक्सचेंज को कॉल करना भी मैटर कर गया, किस केस में मैटर कर गया, जब उसने कहा कि नहीं मैंने तो गलती से मार दिया, तो एकदम से जब चेक किया गया तो देखा कि इस घर से एक्सचेंज को कॉल किया गया था, पता करने पर पता चला कि हाँ एक लेडी ने हड़बड़ाहट में कॉल किया था कि जल्दी से पुलिस को कनेक्ट करो, पुलिस स्टेशन पे। इतना सा पता चलने पर जब पता किया गया, इन सब फैक्ट्स को जोड़ा गया, अब रेस गेस्टी समझ आ जाएगा आपको। इस लेडी पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करो, हड़बड़ाहट में कॉल किया, उसको थोड़े समय बाद गोली लगी हुई मिली, पति ने बोला गलती से चल गई थी, 2 साल तक की सजा दे दो मुझे। चलिए 2 साल की सजा दे रहा था कोर्ट, उससे साथ ही साथ में जो वकील था एडवोकेट ने ढूंढा कि कॉल गया था लेडी ने पुलिस स्टेशन के लिए बट बात नहीं हो पाई, तो इसका मतलब अगर उसके घर पे लड़ाई हुई है। जब इन फैक्ट्स को जोड़ा गया, रेस गेस्टी मतलब इररेलेवेंट फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स बेसिकली वैसे डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है क्राइम से बट उसके इर्द गिर्द घूम रहे। आयुषी केस नोएडा, डॉक्टर तलवार, बहुत सारे फैक्ट्स से रेस गेस्टी लगा था वहां पर। तो बेसिकली ये रोमन वर्ड है, रेस गेस्टी स्टार्टिंग रोमन से हुआ था, बाद में यूएस और इंग्लिश राइटर्स ने इसको एक्सप्लेन किया था 1600 शताब्दी में आ गया था, 1600 में रेस गेस्टी आया, समझ। जो उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं उनको जोड़ के क्राइम स्टैब्लिश कर दिया जाता है। फिर आता है आपका मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। सुनो, मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं सुबह से और आपका मन कर रहा है कि मैं सर को मार दूं, आपको सर को मार दूं मैं, ठीक है। ये आपका मोटिव क्या है इसके पीछे, क्योंकि मैं आपको फ्रस्ट्रेट कर चुका हूं सुबह से पढ़ा पढ़ा के, तो ये आपका मोटिव है, ठीक है। आपने क्या किया, कल फिर सर से पढ़ाएंगे, सुबह सुबह शुरू हो जाएंगे 10 बजे, शाम 4 बजे तक पढ़ाते रहते हैं, ये कोई तरीका है, बंदूक खरीद लेते हैं कट्टा, आप अपने बैग में एक कट्टा या बंदूक खरीद के ले आए, वो छुपाया हुआ आपके पास, ठीक है, वो है प्रिपरेशन। क्या मोटिव क्राइम है, सर मेरे मन में भी बहुत आता है, आप पढ़ते नहीं हो, मेरा मन करता है मैं आपको मारूं, तो क्राइम तो नहीं है। आपका मन करता है कब से पढ़ाए जा रहे हैं मार देती हूं मैं, तो वो भी क्राइम नहीं है। आप दुकान से एक बंदूक खरीद के लिए प्रिपरेशन की गोली चला दूंगी अब तो मैं, ठीक है, वो क्या प्रिपरेशन, बट वो कोई क्राइम, आपने गोली चलाई नहीं है। अब ये प्रिपरेशन के दौरान आपने गोली चला दी और मैं बच गया, अगर गोली चला दी है तो मेरे लगेगी या मैं बचूंगा, बट ये है कमिट। अब इस कमिट में 2 एरो आएंगे, यह तो होता है एक कंडक्ट हो चुका है या अटेम्प्ट होगा आपका, ठीक है, या तो आपने गोली चलाई, गोली लग गई फिर भी मैं बच गया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा आपको या तो, या मेरे को गोली नहीं लगी तो अटेम्प्ट टू मर्डर है या फिर मर्डर है, ये दोनों ही केस में क्या है आपका क्राइम है। फिर से बताऊं मोटिव क्या है, मोटिव आपकी, मोटिव इज समथिंग विच इंड्यूस अ पर्सन टू डू द क्राइम, क्राइम करने के लिए आपको पूछ करते हैं। सपोज करते हैं कि मिस्टर एक्स, मुझे पता था कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर किया है, मुझे पता था कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर किया है और मैं मिस्टर एक्स को रोज रोज थ्रेटन करता हूं, कुछ ब्लैकमेल करके पैसे लेता रहता हूं कि मुझे पैसे दे नहीं तो मैं पब्लिक कर दूंगा इस इन्फॉर्मेशन को। मिस्टर एक्स ने सोचा रोज रोज की परेशानी से छोड़ इसको उड़ा देते हैं, उसने मुझे मार दिया, तो वॉट वॉज बेसिकली द मोटिव, मोटिव क्या था उसको, बेसिकली थ्रेटनिंग इसका मोटिव था, मैं थ्रेटन करता था वो मोटिव था। इन्होंने बंदूक खरीदी वो, या फांसी खरीदा या जहर खरीदा, वो सब क्या था, प्रिपरेशन थी। और उन्होंने जो कंडक्ट कर दिया, कंडक्ट, कंडक्ट दो तरीके के होते, एक होता है अटेम्प्ट और एक होता है एक्चुअल कमीशन।
तो आपने गोली चलाई लगी नहीं, या आपने गोली चलाई और मैं बच गया किसी भी तरीके, तो वो क्या था, अटेम्प्ट था और मैं भाग गया, और दूसरा था आपका एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल कमीशन क्या होता है मेरी सच में, पर करना मत अभी, कोर्स रहता है। चलिए आगे। When the fact is not relevant, not otherwise relevant becomes relevant। कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, मतलब मैटर में कोई रेलिवेंट नहीं है बट वो रेलिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कौन से होते हैं, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इश्यू। मतलब आप जो भी चीज बोल रहे हो, देखो एक चीज, आपसे बोला गया कि भाई आपने जो है मिस्टर एक्स को मारा है, आपने कहा सर मैंने मिस्टर एक्स को मारा ही नहीं क्योंकि मैं उस दिन तो गोवा में थी, ठीक है। जब चेक करने पर पता चला आप उस दिन गोवा में नहीं थे, ये फैक्ट इन इश्यू इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो ये रेलिवेंट हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ तो झूठ बोला है ना, झूठ तो बोला है, ठीक है। तो ये इसलिए रेलिवेंट हो जाएगा। तो काफी सारे ऐसे होते हैं जो बेसिकली रेलिवेंट होते नहीं है, रेलिवेंट होते नहीं बट रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। एडमिशन एंड कन्फेशन, व्हाट इज एडमिशन, व्हाट इज कन्फेशन। कन्फेशन होता है जब मैं अपने बिहाफ पे अपने लिए कोई चीज कन्फेस करता हूं, वो कन्फेशन है, अपने बिहाफ पे और अपने लिए कन्फेस करता हूं। एडमिशन होता है मैं अपने लिए भी कर सकता हूं, मैं आपके लिए भी कर सकता हूं कि मैंने और मिस्टर एक्स ने मिलकर मिस्टर वाई को मारा, ये एडमिशन है क्राइम का, मेरा भी और इनका भी, और इसके साथ साथ जॉइंट ट्रायल होगा, मेरा और ये भी फंसेंगे साथ साथ। कन्फेशन में खाली अपने भी आप पे कर सकता हूं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पेज के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में भी आता है। अच्छा, कन्फेशन मेड टू पुलिस इज अ वीकर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसको ज्यादा नहीं दी जाती। बट एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक केस बताया था एक प्रॉपर्टी डीलर का जिसने अपनी वाइफ को हथौड़े से मार दिया था। एक प्रॉपर्टी डीलर था पीतमपुरा का जिसने अपनी वाइफ को हथौड़े से मार दिया था और उसकी डेड बॉडी को उन्होंने शिमला के अंदर अटैची में पैक करके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया था। उसने पुलिस के सामने कन्फेश किया मार पड़ने के बाद में कि हाँ मैंने अपनी वाइफ को मारा है, हाँ मैंने अपनी वाइफ को मारा है। ये कन्फेशन अभी भी वीकर कन्फेशन था, कोर्ट में इसको नहीं माना जाएगा। वो मुकर सकता था कि मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन, मुझे प्रेशराइज करके इंट्रोगेशन किया गया और उस बिहाफ पे मुझे मानना पड़ा। बट इफ एनी कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑन बिहाफ ऑफ दैट कन्फेशन, वो आदमी अगर कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिस हथियार से या जो चीज उसके से रिलेटेड उस जगह पर मिल जाए, उसके बताई हुई जगह पर, तो उस कन्फेशन को भी स्ट्रॉन्ग कन्फेशन माना जाता है। तो उस प्रॉपर्टी डीलर के कन्फेशन किया गया पुलिस के सामने कि भी मैंने अपनी वाइफ को मारा है और उसके बिहाफ पे वो शिमला गए, शिमला में उन्होंने जिस जगह पर डेड बॉडी को सूटकेस में फेंका था वहां पर सूटकेस मिल गया, तो उस सूटकेस को उठाया गया और ये कन्फेशन पुलिस के सामने जो किया गया था कोर्ट के अंदर साबित होगा और ये रेलिवेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर। जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन कौन से होते हैं, विच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन से होते हैं, विच आर मेड आउटसाइड द कोर्ट। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल देते हाँ मैं हत्यारा हूं मुझे पकड़ लो, ठीक है। वो क्या है, आजकल तो एक्स्ट्रा जुडिशियल ज्यादा होते हैं, कोर्ट की सुनता कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूट्यूब के वीडियो, अभी यस्टरडे देयर वॉज अ गर्ल नदी पे बैठ के और शी वाज लाइक मैं मरने वाली हूँ, ये लोग मर गए। अरे मजाक है कोई जिंदगी यार, यंगस्टर्स को हो क्या गया। एक दो दिनों में आप लोग भी देख लोगे, हो जाएगा वायरल, हो गया ना, मैं मर रही हूँ पता नहीं क्या। अरे भाई क्या मजाक है, जिंदगी भगवान ने दिया, मर रहे हो आप, मैं मरने जा रही हूँ, खुशी खुशी मर रही हूँ, ये लो जी मर गए, मजाक है कोई, कोई खिलौना था आपको शरीर, वो मर गए, ठीक है। और वो कन्फेशन भी है। देयर वॉज अनदर गाय, उसने किसी एक्स अपनी फीमेल फ्रेंड की वजह से उसने किसी एक्स को पैसे दे दिए थे वीडियो पर रिकॉर्ड करके, उसने बोला कि मैं इसकी वजह से परेशान हो गया मर। अरे भाई देर आर सम अदर पीपल ऑल्सो, ऐसे न्याय मिलता है क्या, फाइट फॉर योर राइट। ये कन्फेशन नहीं माने जाते हैं ऐसे, कुछ भी नहीं हुआ बेल पर, यह बात खत्म। जिंदा रहता तो शायद और चार दो चार सजा हो सकती थी उसे, 6-7 लाख रुपए, कितने से 6-7 लाख, इससे ऑर्गन बेच दो भाई, कुछ अपने किडनियां विडनियां निकाल के बेच दो, अगर इतनी मरने की वो हो रही है, 6-7 लाख रुपए के लिए मर जाओगे। तो जान बड़ी सस्ती कर रखी है लोगों ने आजकल। फिर से आते हैं हम जल्दी से, कन्फेशन, कन्फेशन एक्स जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा जुडिशियल आउटसाइड द कोर्ट। कन्फेशन मेड टू पुलिस नॉट अ ट्रेड एज एविडेंस बट एक्सेप्शन इसकी, अगर उस कन्फेशन के बेसिस पे कोई अगर सबूत मिल गया तो मानी जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, एडमिशन मीन्स वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रूथ ऑफ पर्टिकुलर, कन्फेशन मीन्स द स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट। मैं अपना कर रहा हूं एडमिशन, में दूसरे का भी कर सकता हूं। एडमिशन इज, अच्छा सुनो, एडमिशन के अंडर कन्फेशन आता है, मानते हो इस बात को। कन्फेशन इज अ टाइप ऑफ एडमिशन, वेयर इज एडमिशन इज नॉट अ टाइप ऑफ
कन्फेशन. चलिए आगे आ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ. हियरसे और ओरल एविडेंस. हियरसे ओरल एविडेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हियरसे सुनिश नहीं, ओरल एविडेंस मुंह से बोला गया. रेस गेस्टी के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ध्यान से सुनो. द जनरल रूल, हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस. हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, बट रेस गेस्टी जहां लगेगा वहां पर इसके एक्सेप्शन है कि रेस गेस्टी के अंदर हियरसे को भी मान लिया जाएगा. सपोज प्रॉपर्टी डीलर के पड़ोसी ने बताया था कि उनके और उनके हस्बैंड की बनती नहीं थी, हियरसे एविडेंस था. हियरसे एविडेंस था ना, सुनी सुनाई बात. हमने देखा था, हमने सुना था, आवाज हो रही थी उससे. एक कुछ रात पहले इनके घर पे बहुत तेज तेज रोने की आवाजें आ रही थी, हमने सुना था या हमने देखा था. इस बेसिस पे तफ्तीश की जाती है, इंटरोगेशन किया जाता है उनसे. हियरसे एविडेंस, रेस गेस्टी मतलब विच आर नॉट सो रेलेवेंट बट स्टिल उन कड़ियों को जोड़ा जाता है, तो क्या है, एक क्राइम स्टेब्लिश करने के लिए काम बन जाएगा. तो रेस गेस्टी, हियरसे एविडेंस कब एविडेंस मान लिया जाएगा? रेस गेस्टी के केस में अगर हियरसे एविडेंस है और एडमिट और कन्फेशन कर लिया जाए तब भी उसको मान लिया जाएगा, या डैंग डिक्लेरेशन. बेसिकली वीकर टाइप ऑफ एविडेंस होता है डैंग डिक्लेरेशन, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इंडिया में माना जाता है. इंडिया में कहा जाता है, अ मैन विल नेवर लाई एंड मैन विल नेवर डाई विद अ लाई इन हिज माउथ. मैन विल नेवर डाई विद अ लाई इन हिज माउथ. बट अभी वो जमाना बड़ा कलयुग आ गया सर, मरते हुए भी झूठ बोल के जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल के जाते हैं, बट कहते हैं इंडिया में इसको फिर भी एविडेंस माना जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में इसको नहीं माना जाता, ठीक है. कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी लिए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना केसेस के केस में एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, थर्ड पार्टी के ओपिनियन, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच करवाई जाती है, या फिर हेडराइटिंग के केस में हेडराइटिंग मिलवाई जाती है, विल या सुसाइड नोट के केस के अंदर, इन सब में आपके एक्सपर्ट के ओपिनियन. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के केस में ले लिए जाते हैं कि जैसे टेलीफोन एयरटेल वेयरटेल या ईमेल वालों के पासवर्ड ले लिए गए एक्सेट्रा, जैसे आयुषी केस में लिए गए थे डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा. फिर आता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन. प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन नॉट बी मीन विच द पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज दैट. किस किस के बीच में होता है? जज एंड मजिस्ट्रेट के बीच में जो होता है, जब केस डिसाइड करने के टाइम पे जज या मजिस्ट्रेट आपस में जब सिंगल डिविजनल बेंचेस होते हैं, आपस में जब देखते हैं कि किसका सजा दी जाए इसको, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है. होता है क्या, प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन विच द पार्टीज कैन नॉट कंपेल टू डिस्क्लोज, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है. जज या मजिस्ट्रेट के बीच में होता है. मैट्रिमोनियल कन्वर्सेशन, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको भी प्रिविलेज होता है, बट ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मैरिज इज सस्टेन. मैरिज से पहले या मैरिज के बाद प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब शादी से पहले सगाई के टाइम या सगाई से अगर जानते नहीं हो स्ट्रेंजर के टाइम पे या डिवोर्स के बाद में जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं, आप स्ट्रेंजर उस टाइम पे. एक और बात ध्यान से सुनना, डिवोर्स होने के बाद में भी उनको जिस दौरान शादी थी उस दौरान का जो कम्युनिकेशन है वो बाद में भी आप उनसे कंपेल नहीं कर सकते पूछने के लिए. फिर से 2006 एंड 2007 दो सालों में आपकी शादी सस्टेन कर रही थी, 2007 के एंड में आपकी शादी टूट गई, 2009 के अंदर आपके ऊपर केस चलाया गया, 2009 में आपसे 6 और 7 की बातें आप दोनों की नहीं पूछी जा सकती है क्योंकि उस दौरान शादी थी. तीसरा, एविडेंस अगेंस्ट द स्टेट अफेयर्स. चौथा, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. अगर आपको क्लाइंट आपको कोई बातें बताता है तो वो भी आपसे पूछी नहीं जा सकती है. विटनेस क्या होता है? विटनेस इज बेसिकली द पर्सन हु, हाँ, तो इसमें भी आई विटनेस भी होता है, ठीक है, चश्मदीद गवाह, ठीक है. थैंक यू सो मच, ये हो गया आपका.